दोस्तों, जब हमें हमारे बिजनेस के लिए किसी बड़ी कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज करना हो तो सबसे पहले हमें उस कंपनी को पीओ यानी कि परचेज ऑर्डर हमें सेंड करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये परचेज ऑर्डर हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के द्वारा किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं और उस पीओ के अगेंस्ट में हमें सप्लायर्स के द्वारा कौन कौन से वाउचर हमें रिसीव होते हैं और उनकी एंट्री हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ आज हम प्रैक्टिकली रूप से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, कोई भी स्टेप आप स्किप मत करना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टेली सॉफ्टवेयर, बीजी सॉफ्टवेयर, फैक्टेक सॉफ्टवेयर, मार्क सॉफ्टवेयर के प्रैक्टिकली और नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री करने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए भी परचेज ऑर्डर यानी कि पीओ होता क्या है। तो दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो परचेज ऑर्डर एक तरीके का एक रिक्वेस्ट लेटर है जो हमें उस कंपनी को भेजना पड़ता है जिस कंपनी से हम वो सामान खरीद रहे हैं, यानी कि एक रिक्वेस्ट लेटर हो गया। तो दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है भी हम किसी मतलब सपोज करो हम कोई कंप्यूटर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर रहे, हम हमारे बिजनेस में मैनुअल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, तो वो हम परचेज ऑर्डर हमारे जो बिजनेस का जो लेटर होता है उस लेटर हेड पर हम इस तरीके से एक परचेज ऑर्डर हम लिख लेते हैं, यानी कि जिस कंपनी से हमें परचेज करना है वो सामान, उस कंपनी का टूल लिख के बाद में उसका एड्रेस और क्या क्या प्रोडक्ट हमें उस कंपनी से मंगवा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए और कौन सी रेट वाली चाहिए, तो इस प्रकार हम इस पे साइन करके और उस कंपनी को सेंड कर देते हैं। अगर हम कंप्यूटराइड अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हम उसे कंप्यूटराइड सॉफ्टवेयर से किस प्रकार जनरेट करते हैं परचेज ऑर्डर को, तो ये आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं टेली की स्क्रीन पर। तो आप दोस्तों यहां पर देख रहे हो, हमें इस ऑर्डर वाउचर में ऑप्शन देख रहे हैं यहां पर परचेज वाउचर, और इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस F9। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हो, आपको यहां पर ये एक्टिव नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आप इन वाउचर को देख लो, बाय डिफॉल्ट ये जो परचेज वाउचर और जो सेल वाउचर है ये एक्टिव होते हैं और जो बाकी हमें इस प्रकार से दिख रहे हैं ये सारे इनएक्टिव होते हैं, यानी कि इन्हें हमें वाउचर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम इन्हें दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, दोनों वाउचर हम दोनों तरीके हम सीखेंगे इनको एक्टिवेट करने के। तो दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है आप एल्टर में हम जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे वाउचर टाइप पर, और जैसे वाउचर टाइप पर जाएंगे तो सारे वाउचर की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें सबसे पहले चाहिए परचेज ऑर्डर, तो हम परचेज ऑर्डर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे सारी लिस्ट आ गई है, इसमें परचेज ऑर्डर भी है, तो हम इस परचेज ऑर्डर पर एंटर प्रेस करेंगे। तो उसके बाद में आपके पास ये ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर भी एक्टिव दिस वाउचर टाइप, तो बाय डिफॉल्ट ये नो होता है तो हम इसे यस करेंगे और उसके बाद में इसे कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके साथ साथ हमें चाहिए एक रिसिप्ट नोट की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम इस वाउचर को भी यहाँ से यस कर लेंगे और उसके बाद में रिजेक्शन आउट की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें तीन वाउचर की जरूरत पड़ती है और इस वाउचर को भी हम यस करके कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये अब इसकी अगर हम बात करें, हम इस ये परचेज ऑर्डर मान के चलते हैं भी हमने श्री राम ट्रेडर्स कंपनी को परचेज ऑर्डर दिया है, ये सीगेट हार्ड डिस्क 1 TB के 10 पीस हमें मंगवाने और उसका 4000 रुपये पर पीस के रेट वाला हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके लिए हमें टेली सॉफ्टवेयर में एंट्री हमें करनी पड़ेगी, तो एंट्री करने के लिए हम जाएंगे वाउचर में। अब हमें उसकी शॉर्टकट की अगर आपको नहीं पता है परचेज ऑर्डर की, तो आप यहाँ से अदर वाउचर इस पर क्लिक करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे अदर वाउचर F10 अगर आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, तो इसके ऊपर F10 के अंदर यहाँ पर हिडन हो गया, तो उसके अंदर आप जैसे कंट्रोल के साथ करोगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे परचेज ऑर्डर का। अदरवाइज आप कीबोर्ड से शॉर्टकट F10 प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पे परचेज ऑर्डर ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। तो जो बाय डिफॉल्ट एक्टिव हमने कर दिए हैं या बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव होते हैं तो वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाते हैं,
और कुछ हिडन रहते हैं, तो हम इसके शो इन एक्टिव पे भी क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी हिडन होंगे वो भी हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। तो हम करेंगे कंट्रोल एफ नाइन, इसकी शॉर्टकट आप यहाँ पर देख रहे हो कंट्रोल एफ नाइन। तो हम कंट्रोल एफ नाइन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा परचेज ऑर्डर और उसके बाद में इसकी डेट। अब मान लीजिए हमने इसका जो परचेज ऑर्डर है वो हमारे 31 दिसंबर 2020 को हमने इसको ऑर्डर दिया था। और उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, अब पार्टी अकाउंट नेम में भी आप देख सकते हो हमने श्री राम ट्रेडर्स को ये परचेज ऑर्डर इश्यू किया, तो हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एल्ट सी का शॉर्टकट यूज़ करेंगे और श्री राम ट्रेडर्स तो हमारे लिए सेंट्री क्रेडिट रहे, और इसके वाउचर की एंट्री हम करते हुए यहाँ पर उनका एड्रेस भी हम लिख देंगे और उसके बाद में इंटर प्रेस करते हुए ये रेगुलर डीलर, तो हमें इसका जीएसटी नंबर भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। एक बार मैं इसका स्किप कर रहा हूँ मैं, और इस वाउचर को मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट। तो दोस्तों जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर की डिटेल हमारे से कुछ पूछेगा, तो यानी कि मोड टर्म ओ पेमेंट, आप जो सामान मंगा रहे हो उसकी पेमेंट आप किस कंडीशन में पे करोगे, आप उसे कैश दोगे, चेक के थ्रू दोगे, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, जो भी आपका प्रोसेस है उसके कौन से मतलब कंडीशन में हम देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एनईएफटी, या हम आरटीजीएस भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में अदर रेफरेंस, यानी कि अगर आप एनईएफटी नहीं करवाते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं हम कैश भी पे कर सकते हैं। तो टर्म ऑफ डिलीवरी, यानी कि आप डिलीवरी कितने दिनों में चाहते हो, तो आप 2 दिन, 3 दिन, 1 10 डेज, जितना भी आपकी कंडीशन हो उस हिसाब से आप डेज यहाँ पर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 डेज दे रहा हूँ, 2 डेज। और उसके बाद में यहाँ पर रिसिप्ट की डिटेल आपसे पूछेगा भी, डिस्पेस थ्रू भी, आप ये जो सामान है किसके थ्रू मंगवाना चाहते हो, आप सेल्फ लेके आओगे या किसी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करोगे। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बी बाई ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद में इसका स्थान पूछेगा भी, आप ये जो सामान है वो कहां पर मंगवाना चाहते हो, तो जैसे मैं यहां पर इस मेंशन करूंगा राइसिंग नगर। और उसके बाद में कैरियर एजेंट का नाम भी, आप किसी एजेंट के थ्रू ये प्रोडक्ट मंगवा रहे हो या सेल्फ मंगवा रहे हो, अगर आप सेल्फ मंगवा रहे हो तो यहां पर लिख सकते हो सेल्फ। और उसके बाद में बिल ऑफ लैंडिंग वगैरह, आप बिल नंबर, ये तो हमें पता नहीं चलेगा अभी बिल नंबर उसका क्या रहेगा, डेट का भी हमें नहीं पता, और मोटर व्हीकल का भी हमें पता नहीं चलेगा अभी कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा और उसका गाड़ी का नंबर क्या होगा, तो हमें इसे एक बार स्किप करेंगे। और उसके बाद में पार्टी डिटेल्स, यानी हमें कौन से पार्टी को ये सेंड कर रहे हैं, तो हमने श्री राम ट्रेडर्स को सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसका एड्रेस, और उसके बाद में जीएसटी नंबर तो हमने वहाँ पे दिया नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इसके ब्लैंक है, अगर दे देते तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फिलअप होके आ जाता। और उसके बाद में यहाँ पर आएगा ऑर्डर नंबर, तो दोस्तों हम ऑर्डर नंबर यहाँ पर पर्टिकुलर एक अलग से कुछ हिंट यहाँ पर देंगे, क्योंकि हम रूटीन में हर अलग अलग कंपनी को परचेज ऑर्डर करेंगे तो हमारे लिए बाद में ये ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा भी 1 नंबर ऑर्डर किसका था, 2 नंबर ऑर्डर किसका था, 3 नंबर ऑर्डर किसका था, तो इसलिए हम यहाँ पर एक हिंट देंगे। जैसे हमारे पास हम ये जो सेंड करें वो श्री राम ट्रेडर्स को कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हिंट दे सकते हैं यहाँ पर श्री राम ट्रेडर्स का, और इसके आगे 1 लगा देंगे ताकि हमें पता रहे। और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, तो हमने आइटम का जो ऑर्डर दिया वो सीगेट का दिया। दोस्तों अभी आप देख रहे हो हमारे पास जो करंट टाइम में जो स्टॉक आ रहा है तो वो सीगेट हार्ड डिस्क 500 GB का 2 पीस है, सीगेट हार्ड डिस्क 1 TB का 2 पीस है, और SMPS सप्लाई 1 पीस है। तो हम उसका ऑर्डर देने के बाद में देखेंगे भी हमारे जो स्टॉक है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम सीगेट हार्ड डिस्क 1 TB का ऑर्डर दे रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ से आपके पूछेगा भी ड्यू ऑन, यानी कि कितने दिनों में आप माल मंगवाना चाहते हो, तो हम यहाँ पर देंगे 2 जनवरी को। और उसके बाद में कितनी क्वांटिटी का हमें ऑर्डर देना है, वो हम देना है 10,000 का, और उसका जो रेट है वो 4,000 रुपये। तो इस तरीके से ये 40,000 रुपये का अमाउंट बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये पता नहीं है अभी उसका रेट क्या है,
यानी कि आपको अभी तक कितना पता है, भी आपने 10 पीस का ऑर्डर दे दिया और जो प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल होगा वो कंपनी हमें भेज देगी। इसमें 4,000 रुपये का भी हो सकता है वो प्रोडक्ट, हो सकता है वो 3,800 रुपये का भी हो सकता है, हो सकता है वो 4,200 रुपये का भी हो सकता है। अगर आपको रेट कन्फर्म है तो आप रेट लिख सकते हो, अगर आपको रेट कन्फर्म नहीं है तो आप इसको एक बार जीरो भी कर सकते हो। यानी कि आपने केवल 10 पीस का ऑर्डर मंगाया, जो कंपनी के पास अवेलेबल होगा वो कंपनी आपको सेंड कर देगी। अगर आपको पहले बातचीत आपकी हो चुकी है, आपका जो फाइनल डील अब हो चुकी है, तो आप यहाँ पे उसका रेट भी दे सकते हो और उसके बाद में एंटर प्रेस करके इस वाउचर को हम करेंगे सेव। तो दोस्तों, हमें परचेज ऑर्डर में कोई CGST SGST लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम एक बार हमारा स्टॉक हम देखेंगे सबसे पहले, तो स्टॉक देखने के लिए हम स्टॉक समरी पर आएंगे और स्टॉक समरी पे हम Alt F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे। तो अभी देख रहे हो हमारे स्टॉक में किसी भी टाइप की कोई इंक्रीज नहीं है, सेम वही जो क्वांटिटी आ रही है, जो दो दो पीस और वन पीस की वो आ रही है, यानी कि जो हमने ऑर्डर दिया था 10 पीस का वो अभी हमारे बिजनेस में हुआ नहीं है। तो उसके लिए बाप जैसे ही वो परचेज ऑर्डर उस कंपनी के पास पहुँचेगा तो कंपनी हमें एक रिसिप्ट नोट भेजेगा उस गुड्स के साथ में। तो उसकी एंट्री हमें किस प्रकार करनी है, हम आएंगे वापस वाउचर में और अब हमें एंट्री करनी है रिसिप्ट नोट की। तो रिसिप्ट नोट की जो एंट्री होएगी उसकी हमें शॉर्टकट कमांड अगर आपको नहीं पता है तो आप अदर वाउचर पे जाइए और उसके बाद में रिसिप्ट नोट आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी शॉर्टकट कमांड Alt F9 है। आप यहाँ से भी आके इस पर इंटर प्रेस करोगे तो भी आप रिसिप्ट नोट के वाउचर पर आ जाओगे और यहाँ पर भी ये रिसिप्ट नोट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप रेफरेंस में अगर आप लिखना चाहो भी आपने श्री राम ट्रेडर्स का रेफरेंस नंबर आप यूज़ कर रहे हो तो आप SRT 1 यूज़ कर सकते हो यहाँ पर भी। और उसके बाद में वो डेट हम देंगे, जैसे कि 2/1 में हमारे पास माल रिसीव हुआ है 2 जनवरी 2021 को, और उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी का नाम देंगे जिसको हमने परचेज ऑर्डर सेंड किया था, यानी कि श्री राम ट्रेडर्स को। इंटर प्रेस करेंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी अभी, यानी कि ये सारा आ जाएगा लिस्ट ऑफ ऑर्डर। तो ये ऑर्डर मारा था SRT 1 का और ये हमने 31 दिसंबर 2020 को ये ऑर्डर किया था। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब उसके बाद में ये रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर हम जो कंपनी की तरफ से हमें मिला है और उसके ऊपर जितना ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो नंबर हम यहाँ पर यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए 100 हम टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट नंबर को और उसके बाद में कोई बिल नंबर और डेट। अब मोटर व्हीकल का नंबर अगर आपको पता चल गया है तो आप उसका नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, और मैंने यहाँ पर मोटर व्हीकल का नंबर भी डाल दिया है। और श्रीराम ट्रेडर्स के पार्टी डिटेल को करते हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद में ट्रैकिंग नंबर SRT 01 हम रिसिप्ट नोट नंबर का ये रखेंगे और उसके बाद में SRT 1 ऑर्डर नंबर भी हमारा यही है। और उसके बाद में क्वांटिटी डिटेल भी, आपको इसमें कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी हमने ऑर्डर जितना 10 पीस का ऑर्डर दिया है वो 10 के 10 पीस हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, कंपनी के पास शॉर्टेज की वजह से कंपनी हमें 8 पीस ही अगर हमें सेंड किए हैं तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 8 पीस का। और अगर हमें 10 के 10 रिसीव हो चुके हैं तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 10 और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। अब हमें यहाँ पर भी रिसिप्ट नोट में भी कोई CGST SGST लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे हमारे बिजनेस में वो ये 10 स्टॉक है जो वो प्लस हुए हैं या नहीं हुए। तो वापस आएंगे बैक हम और इसके बाद हम जाएंगे वापस स्टॉक समरी पर और Alt F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे। तो अब देख रहे हो ये जो हार्ड डिस्क 1 TB है वो अब 12 पीस हो चुके हैं, यानी कि वो 10 पीस थे वो हमारे आ चुके हैं। और जैसे हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर भी, परचेज बिल पेंडिंग 31 जनवरी 2021, यानी कि हमने ये 2 जनवरी का इनवॉइस हमने सेंड किया है, हमारे पास आया है। तो इसने जो डेट है ये बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली 31 जनवरी की, क्योंकि ये मेरे पास ये डेमो मोड चल रहा है इसलिए पूरा इसने मंथ की डिटेल ले ली। इस पर इंटर करोगे तो आपको यहाँ पर ये 2 जनवरी ही दिखाएगा। तो अब यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है ये परचेज बिल पेंडिंग और 10 पीस की क्वांटिटी तो इन हो चुकी है और टोटल मेरे पास स्टॉक में ओके क्लोजिंग स्टॉक भी इसका 12 पीस का आ गया है।
और इसका हम परचेज ऑर्डर की अगर हम बात करें भी कौन कौन से बिल हमारे अभी ऑर्डर में पेंडिंग पड़े हैं उसकी डिटेल अगर हमें शो देखनी हो तो उसकी डिटेल हम किस प्रकार देखेंगे, तो हम आएंगे वापस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर, उसके बाद परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इस पर इंटरप्रेस करेंगे और ऑल ऑर्डर्स इस पर हम आएंगे। तो आप देख रहे हो इसके अंदर हमारा कोई भी ऑर्डर अभी पेंडिंग यहाँ पर नहीं है, यानी कि जितना हमने ऑर्डर दिया था उसका माल हमारे पास रिसीव हो चुका है। तो अगर इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हम वापस जाते हैं इस रिसिप्ट नोट पर, जैसे ये रिसिप्ट नोट हमारे पास था, और अब जैसे ये मान लो इसके अंदर हमने 10 पीस में से 8 पीस ही हमारे पास आए हैं और हम यहाँ पर कर देते हैं 8 पीस को और इंटरप्रेस करके इस वाउचर को भी एक बार हम वापस करेंगे सेव। तो अब अगर स्टॉक की बात करें तो अब ये स्टॉक देखो यहाँ पे 10 पीस हो चुके हैं और इस 10 पे हम इंटरप्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर भी अब दिखाएगा हमें परचेज बिल पेंडिंग 2 जनवरी का और जो रिसीव हुए वो 8 पीस है। तो अब अगर हम उसके ऑर्डर की बात करें कितने ऑर्डर हमारे पेंडिंग है, कितना स्टॉक हमारा अभी तक पेंडिंग है आने वाला, तो हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर आएंगे और उसके बाद परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पर हम जाएंगे और उसके बाद हम ऑल ऑर्डर्स पर जाएंगे। और यहाँ पर अगर डिटेल देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो वही स्टॉक आइटम हमें यहाँ पर शो करेगा, जो हमने जो 31 दिसंबर का ऑर्डर दिया था सीगेट हार्ड डिस्क 1 TB का श्रीराम ट्रेडर्स को, तो उसमें से हमने ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि 10 पीस के हमने ऑर्डर दिए थे, बैलेंस क्वांटिटी 2, यानी कि अभी भी ये 2 पीस हमारे आने वाले बकाया पड़े हैं, यानी कि टोटल हमें 8 पीस ही रिसीव हुए हैं। तो इसका मतलब ये 8,000 रुपये का स्टॉक अभी हमारे पास आने वाला बकाया पड़े हैं। तो दोस्तों अगर हम ये चाहते हैं भी हमारे पास ये जो 2 स्टॉक है जो अभी तक नहीं पहुँचे उसकी ज़रूरत हमारे को नहीं है, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 8 पीस से भी पूरी हो चुकी है, तो हम यहाँ से इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे प्री क्लोज ऑर्डर, यानी कि इसको 2 ऑर्डर को हम कैंसिल कर सकते हैं, हमें 2 पीस नहीं चाहिए। अगर आप करना चाहो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, जैसे कि इसकी शॉर्टकट कमांड है Alt+W, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा प्री क्लोज क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटी हमें यहाँ से मैनुअली रूप से लिखनी पड़ेगी, यानी कि 2 पीस हमें नहीं चाहिए तो वो उस 2 पीस हम यहाँ पर लिखेंगे। तो उसके बाद में इसका रीज़न भी हमारे से पूछेगा भी रीज़न फॉर फ्री क्लोज, यानी कि आप जो इस कैंसिल कर रहे हो इस ऑर्डर को 2 को, तो इसका रीज़न क्या है। तो कुछ भी हो सकता है, भी हमें नोट रिक्वायरमेंट आया या गुड्स है जो सही नहीं आया है, कुछ भी हो सकता है रीज़न, वो हम यहाँ पे एज ए हमारी याददाश्त के लिए हम इसके लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसे स्केप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम वापस जाएंगे स्केप करके, तो अब इसलिए हमें यहाँ पर ये जो पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे शो करेगा, तो रिसिप्ट नोट में जाके वापस हम इसको 10 करेंगे पूरा और इसको हम वापस कर देंगे यहाँ से 10 पीस और वाउचर को हम करेंगे कंट्रोल के साथ सेव। तो स्टॉक भी अब हमारे पास वापस इसका देख रहे हो वहाँ पे 12 का हो गया वापस और परचेज ऑर्डर भी हमें कोई पेंडिंग नहीं दिखाएगा। इन्वेंट्री में जाएंगे, परचेज ऑर्डर में जाएंगे और ऑल ऑर्डर्स पे हम जाएंगे, तो अब कोई भी परचेज ऑर्डर हमारा पेंडिंग नहीं है। तो दोस्तों अभी तक हमारे पास परचेज इनवॉइस इसका आया नहीं है, परचेज इनवॉइस अब हमारे पास पहुंचेगा अगर हमने 10 के 10 रिसीव कर लिए तो। तो अगर हम इसके सेंडरी क्रेडिटर की बात करें तो हम एक बार बैलेंस शीट हम देखें, सेंडरी क्रेडिटर में हम जाएंगे तो अभी भी आप देख रहे हो इस 40,000 रुपये की अमाउंट का ये परचेज बिल टू कम, यानी कि ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही भी, अभी इसका बिल आने वाला भी बकाया पड़ा है। जैसे हमारे पास इसका परचेज इनवॉइस आ जाएगा, अब जैसे कंपनी से हमने बात हुई हमारी जो टोटल डिलिंग थी उसके अकॉर्डिंग हमने 10 पीस आ गए और इस 10 पीस का कंपनी ने फाइनली ये टैक्स इनवॉइस है जो जनरेट कर दिया 1/1/2021 का। तो हम इसकी परचेज की एंट्री हम करेंगे तो ये परचेज की एंट्री भी अब हमारी ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, हम करेंगे F9 परचेज के लिए, तो हमें वो वाउचर का नंबर देना पड़ेगा यहाँ पर जैसे 1/2020/21 और इसकी जो डेट है वो 1 जनवरी है और सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम सेम नंबर यहाँ पर लिखेंगे 2020/21 का और पार्टी सेलेक्ट करेंगे हम श्रीराम ट्रेडर्स को और उसके बाद में हमें SRT जो रिसिप्ट नोट का नंबर था वो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अब ऑटोमेटिक ही आ जाएगी
और उसके बाद में जो प्रोडक्ट है उसकी भी एंट्री हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी प्रोडक्ट है जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप कर लेगा। तो उसके बाद में हमें जो रेट हमें जो मिला है टैक्सेबल रेट हमें अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3,050 रुपये और 85 पैसे। और उसके बाद में हम यहाँ पर टैक्स लगाएंगे इसका, CGST टैक्स और SGST टैक्स। उसके बाद में परचेज़ की जो एंट्री है वो उसी तरीके से हो जाएगी। तो हम यहाँ पर टैक्सेबल की जो वैल्यू में डालनी पड़ेगी वो 33,898 रुपये और 30 पैसे। और उसके बाद में SGST CGST अमाउंट लगने के बाद में इस इनवॉइस की अमाउंट भी नेट है जो 40,000 रुपये कंप्लीट हो जाएगी। और इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट करने के बाद हम जब बैलेंस शीट हम देखेंगे और हम सेंडरी क्रेडिटर पर हम जाएंगे, तो अब देख रहे हो श्रीराम ट्रेडर्स का जो अभी यहाँ पर बिल कम टू ऑप्शन जो आ रहा था वो श्रीराम ट्रेडर्स के नाम से शो करने लग गया और उसकी 40,000 रुपये की अमाउंट भी यहाँ पर शो हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हम करते हैं परचेज ऑर्डर की और रिसिप्ट नोट की और रिजेक्शन आउट की। दोस्तों अगर रिजेक्शन आउट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट हमें कोई वापस सेंड करना पड़े तो हमें उसकी एंट्री रिजेक्शन नोट में भी करते हैं। तो दोस्तों अगर रिजेक्शन नोट की बजाय अगर उसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न में करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सेल ऑर्डर किस प्रकार बनता है। अगर हमें हमारा कोई कस्टमर हमें कोई परचेज ऑर्डर इशू करता है तो हम उसके अगेंस्ट में सेल ऑर्डर में एंट्री उसकी किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।